हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप बहुत अच्छे होंगे अल्लाह के शुक्र से। और आज हम जा रहे हैं पापा जी को लेकर, एक हॉस्पिटल है रायवाला में ऋषिकेश के पास, वहाँ पर उनको एडमिट करना है। देखते हैं वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बताया गया है कि बहुत अच्छा है, तो लेकर चलते हैं पापा को आज वहाँ पर। आप सब दुआ करें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बने रहे मेरे ब्लॉग में आज के। चुके हैं गंगाराम, ये गंगा सेवा हॉस्पिटल है रायवाला में, अंदर आगे है काफ़ी। आप देखेंगे मेरे पीछे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पूरी इसके बारे में बताता हूँ डिटेल में। ये देखिए आप, हो जाओगे ठीक जल्दी। हॉस्पिटल है पूरा यहाँ पर, कितना साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ये देखिए आप। और इधर ये प्रांगण में ये इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा। ये मम्मी बैठी है यहाँ पर, ये हमारी मौसी जी हैं, ये पापा एडमिट हो गए हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ यहाँ से। ये पूरा बैक साइड का है पूरा, ये सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से पेशेंट को ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। सामने मम्मी जी हैं, मौसी जी खड़ी हैं, और वो सामने मेरे देखेंगे आप, वो सामने गंगा जी जा रही हैं। देखिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, पापा को एडमिट करा दिया है हॉस्पिटल से, और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है दोस्तों। ऊपर वाला वैसे ना करे, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े, लेकिन कोई वक्त आ जाता है ऐसा, कोई जानबूझकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, ये सब ऊपर वाले की है। लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा है, पापा को रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो अभी हम निकलते हैं घर की तरफ, बने रहना मेरे व्लॉग में। अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा बोलो, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, जैसे कि तो शाम को अगर मान लिया कभी देर हो जाती है, कभी उसके 6 बजे के करीब हम आ जाएंगे, 1-5 मिनट में और उसके बाद वो चल जाएगा। हाँ वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ का एक रूल और है, नाइट में जो है कि पेशेंट के साथ में एक ही अटेंडेंट रहेगा, नहीं रुकेंगे। और हाँ वो बात है, आप आओ जाओ मिलो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे पेशेंट का ज़्यादा सीरियस होता है, एनी वेदर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए अगर एक बंदा और रहना चाहे तो उसकी परमिशन आपको पहले डॉक्टर साहब से लेनी चाहिए।
मतलब वो हम अपनी तरफ से कोई कमीशन नहीं दे सकते, हमारी तरफ से एक ही कमीशन बस। हमारी एंट्री कर ली है और अब हम निकलते हैं घर की तरफ, और बने रहना मेरे व्लॉग में, देखते हैं अभी आगे हम शाम तक क्या करते हैं। ठीक है, बाय बाय, अपना इतना ख्याल रखें। देखिए अभी हम निकल गए हैं घर की तरफ, हॉस्पिटल से बाहर, और ये इधर का रास्ता दिखा देता हूँ मैं आपको, सीधा है ये। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको, बने रहना मेरे व्लॉग में। मैं हॉस्पिटल से आते हुए मैंने देखा बहुत अच्छा पानी यहाँ पर निकल रहा है, ये दिखाता हूँ आपको, मुझे मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। ये पूरा एक बीच में से पानी निकला हुआ है, यहाँ पर नहा भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अभी निकलते हैं आगे, अभी प्यास लग रही थी तो पानी नहीं था रास्ते में, अभी यहाँ रुके हैं बाहर निकलने के बाद रोड पर। अभी मौसी को घर पर छोड़कर मैं आया हूँ कचहरी में, वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद अभी करते हैं काम। ठीक है, मिलते हैं आपसे अभी आगे। मेहनत करने के बाद आज थक चुके हैं पूरा, अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ, बहुत लेट हो और बहुत लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है पूरा काफ़ी, कचहरी में भी सब लोग जा चुके हैं, और अभी हम देखते हैं गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, रास्ते में रुक कर दूध ले लेते हैं, घर से फोन आ गया था वो तो लेना ही था रोज की तरह, और चलते हैं फिर आगे की तरफ। पर आ चुके हैं हम लोग, और अभी चेंज करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, मिलते हैं आपसे अभी आगे। खाना उतर रहा है, खाना खाते हैं। यह है दही फुल्की और यह है दाल, उड़द की दाल इसको बोलते हैं, खुशका दाल। खाने के बाद हम खा रहे हैं कुछ मीठा, ये है मीठे में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, क्या याद नहीं आ रहा है, देखिए इसको हम बोलेंगे काला जाम, याद आ गया, ये है काला जाम। तो ठीक है, अच्छा है, ठंडा ठंडा है, फ्रिज का है, आप भी खाइए और आप भी खाइए। ठीक है।